कुछ कॉलेज में जो है हिजाब बंदी लगाई गई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में स्टे दिया गया, उसको लेकर कितना आनंद लगता है, हिजाब कितना महत्वपूर्ण है अल्पसंख्यकों के लिए? देखिए, हम लोग आज यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के वहाँ हार चढ़ाने आए हैं। हमको आज सुप्रीम कोर्ट को, देश के कानून को, लॉ को, हमको कॉन्स्टिट्यूशन को थैंक यू बोलना है दिल से। हम उनका दिल से शुक्रगुजार है, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीज़ें 2022 में शुरू हुई थी कर्नाटका में, जब वहाँ पर इलेक्शन होने वाला था। तो जैसे सबको पता है कि गंदी राजनीति जो है वो बीजेपी अक्सर करती है, एक वोट पोलराइजेशन के लिए करती है, एक माहौल क्रिएट करती है डिस्टर्ब करने का, कि एक भय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जब वो लड़की के ऊपर बहुत सारे लड़के नारे लगाते हुए आए थे और हिजाब बैन वहाँ पर हो गया था कर्नाटका में, उसके बाद बॉम्बे में, मुंबई में ये चीज़ होने के लिए एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि आज तक कभी ऐसा महाराष्ट्र मुंबई में हुआ नहीं है, बट मुंबई की एक कॉलेज में ये चीज़ हुई कुछ महीनों पहले। फिर वहाँ के तीन स्टूडेंट्स ने जा कर के हाईकोर्ट में अपील किया, हाईकोर्ट से अपील रिजेक्ट हुई, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट और लॉयर्स के बीच का कॉन्वर्जेशन सुने तो आपको समझ में आएगा कि कितने अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर किया है और कहा है कि महिलाओं को जो पहनना है वो पहनेंगे। अगर आप उनके रिलीजन से देखेंगे तो ऐसा तो वो नाम भी नहीं बता सकते फिर कॉलेज में, अगर आपकी नाम से भी तो आपको उनका रिलीजन जो है वो पता चल जाएगा, तो फिर पहनावे से क्या बात है। तो आज तक जब ये चीज़ नहीं हुई तो अब क्यों आपको ये करना है? तो देखिए, हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, कल्चर के लोग हैं, महिलाएँ हैं जो वेस्टर्न कल्चर के, वो अपने हिसाब से जीन्स या जो भी उनको पहनना है वो पहनते हैं। जो मुस्लिम कल्चर के लोग हैं वो सलवार सूट पहनते हैं, हिजाब लेते हैं, जिनको लेना है वो लेते, नहीं लेना है वो नहीं लेते। आपको इसमें इंटरफेयर क्यों करना है? ऐसे बहुत धर्म हैं, नॉन मुस्लिम भी, हिंदू धर्म में भी, राजस्थानी धर्म के भी लोग हैं जो यहाँ यहाँ तक के घूंघट लेते हैं, बट आपको बार बार मुस्लिम समाज को ही क्यों टारगेट करना है? जिसका जो कल्चर है वो उसके हिसाब से चलने की कोशिश करता है, चलने की राह एक चाह रखता है, तो भारत देश इसी का तो नाम है। बट जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है तो इससे ये चीज़ एक दिल को तसल्ली होती है कि इससे और जो है वो लॉ पे और संविधान पे भरोसा बढ़ जाता है। और एज़ मुस्लिम इंडियन मुस्लिम विमेन, हम लोग बहुत प्राउड है, वी आर वेरी प्राउड टू बी इंडियन मुस्लिम विमेन, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास, ये स्टे लाया इस वर्डिक्ट पे, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। मैडम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला अब तक नहीं आया, लेकिन सिर्फ स्टे लगाई गई है जी। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा के अंदर, क्या अगर हिजाब को पहनकर अगर आपको शिक्षा ही प्राप्त करनी है तो उसके लिए थोड़ा जो स्कूल का ड्रेस होता है उसको पहनने की जरूरत है कि नहीं? आई डिडंट गेट योर पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर आखिरी फैसला नहीं दिया, अब तक फैसला आना बाकी है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या स्कूल का ड्रेस कोड बच्चे नहीं पहन सकते? क्योंकि हिजाब आप पहन सकते, आपको कॉलेज में जाने के बाद उतारना पड़ता है उसको, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आपको हिजाब पहनना बहुत ज़रूरी है? ये हमारा कल्चर है, हम पहन के जा सकते हैं, क्यों नहीं कब से पहन के जाते हैं, सदियों से पहन के जा रहे हैं, हम जाके पहन सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो यूनिफॉर्म भी पहनते हैं उसके ऊपर हिजाब ले लेते हैं, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट? उसमें प्रॉब्लम क्या है ये चीज़ का समझ में नहीं आ रहा है। यूनिफॉर्म पहने ना, यूनिफॉर्म भी पहने उसके ऊपर भी हिजाब लेते। अरे, इंटरनेशनली जो चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है उस पर देश में क्यों बात हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब कर्नाटका में ये चीज़ हुई थी तो US में इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर दिया गया था, वहाँ पर अमेरिका जिसको हम इतना मानते हैं वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, वहाँ पर लोग जज बन रहे हैं हिजाब पहन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं हिजाब पहन रहे हैं, कोर्ट रूम में बैठ रहे हिजाब पहन के बैठ रहे। तो आपको देश में स्कूल या कॉलेज में क्या प्रॉब्लम है पहन के बैठने के लिए? बड़े बड़े देश, महाराष्ट्र में भी बड़े बड़े मुस्लिम नेता आए हैं जो सामने आते हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है वो 9 कौम की लड़कियों ने लड़ी है और मतलब जो है स्टे हासिल है, उस पर क्या आप देखिए, ये एक विमेन की लड़ाई है एक तरीके से। अभी आप स्कूल में बोल रहे हो, आज के कॉलेज में बोल रहे हो आज मत पहनो, कल अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिला जा रही है बुरखा पहन के, आप बोलोगे मत पहनो, और इससे माहौल क्या क्रिएट होता है कि जो कुछ हमारे समाज में ऐसे दिमाग के लोग हैं जो लॉ को गलत तरीके से भी इंटरप्रेट कर लेते हैं, वो चलती गाड़ियों में, चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाकर के कभी महिलाओं के बुरखे के साथ बदतमीज़ी किए, उनको तो ये समझ में नहीं आएगा कि कॉलेज या स्कूल का बोला या कुछ ऐसा, वो जाकर उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बदतमीज़ी किए, बुरखा खींचे, बुरखा छीने, तो फिर आप इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
मेरा पॉइंट यह है कि देश में बेहतर मुद्दे है बात करने के लिए। आपको रिलीजन और कल्चर पे क्यों जाना है लोगों के? महिलाओं के ताल्लुक से बहुत सारे मसले आई थिंक जिसको जिस पे गवर्नमेंट को आई थिंक जोर देने की जरूरत है। मैडम जिस तरीके से आर्गुमेंट हुआ उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक आ गया कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके अटेंडेंस को लगभग तकलीफ होती है क्योंकि हम पहचान नहीं पाते कि वही बच्चे हैं जो पढ़ रहे, ऐसा आर्गुमेंट हुआ। अरे ये बोलने की बातें आर्गुमेंट करने के लिए तो कुछ भी आर्गुमेंट करेंगे ना। ये क्या नया है, क्या न्यू पहन रहे, क्या न्यू लॉ आया है कि अभी अभी लोग हिजाब पहनना चालू कर रहे, अभी क्यों प्रॉब्लम हो रही है उनको? बस ये प्रॉब्लम ये है कि जब इलेक्शन इट्स ऑल पॉलिटिक्स, वरना सालों से पहन के आ रहे प्रॉब्लम नहीं हो रही, आज प्रॉब्लम हो रही है। ये कैसी प्रॉब्लम है? जो है हिजाब पर पाबंदी लगाई है, कोई भी ड्रेस कोड पर पाबंदी नहीं है, सिर्फ उनको धार्मिक जो चीज़ है उससे है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उनको जो है सिर्फ हिजाब से पाबंदी है जो अंदर धार्मिक नहीं होना चाहिए, बाकी उन्होंने कोई भी ड्रेस कोड पर पाबंदी नहीं लगाई, कोई भी स्टूडेंट। तो यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जब अगर एक लड़की, अगर एक देखा जाए तो एक लड़की जो उसको कॉलेज में पहनना वो पहन के आ सकती है, तो वो बुरखा अगर पहनना किसी लड़की को तो वो भी पहन के आ सकती है। इट्स अबाउट वुमेन राइट, उसकी मर्जी, उसको जो पहनना है। हम वेस्टर्न कल्चर को भी तो प्रमोट कर रहे हैं ना, हम वेस्टर्न कल्चर को भी तो प्रमोट कर रहे हैं, जाके रोक थोड़ी ना रहे हैं आप लोग, गवर्नमेंट जाके वहाँ पे रोक थोड़ी ना रही कि आप क्यों पब्लिकली ऐसा पहन के घूम रहे हो, वैसा पहन के घूम रहे हो। तो जिसकी जो महिला की जो मर्जी वो पहन के घूमे। जो कॉलेजेस में बैन हुआ था उसमें मतलब टोटल 400 स्टूडेंट थे, सिर्फ तीनों ने आगे आके इसके खिलाफ आवाज उठाई, क्या कहें? उनमें हिम्मत होगी, उनमें गट्स होगा, बाकी सब लोग बेचारे डर रहे होंगे। स्टूडेंट्स आवाज़ तो सबको ही उठा, देखिए आवाज़ एक ही जन उठा, एक कुछ ही लोग उठा सकते हैं, बाकी सब लोग चाहते भी है ना अगर कि वो करे तो वो डर से या किसी खौफ से नहीं कर पाते, बट उनका भी आवाज़ उठाना और इतनी बड़ी उस चीज़ पे स्टे आना, इट्स कमेंडेबल।